इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी प्रखंड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राम जानकी मार्ग है और धनौती टेखनिया के बीच में है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं तीन छोटे छोटे बच्चे को लेकर एक परिवार रोड के किनारे और बाजारों में जो बोतल शीशी वगैरह होता है इकट्ठा कर रहे हैं और इसी को बेचकर अपना ये लोग जीविका चलाते हैं। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हाँ, कोई सज्जन व्यक्ति होगा जो इसकी मदद के लिए आगे आएगा तो आ सकता है, मदद कर सकता है और पुण्य कमा सकता है। यहाँ टेकनिया कुटी पर इनका घर है। अभी पूछ लेते हैं इनसे कहाँ इनका घर है। जो मदद करना चाहे, मेरे भी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं भी आकर दिखाऊंगा कि मदद कौन किया है। अब यहाँ पर इनके बारे में भी पूछेंगे। उसके बाद बिहार में शराबबंदी है, इस समय नीतीश कुमार समाज सुधार में भी निकले हुए हैं, जिले में जा रहे हैं और यहाँ बोए में जो बोतल मिल रहा है सब बंटी बबली का ही बोतल मिल रहा है। आइए आप लोग को दिखाते हैं, शराबबंदी में भी बोतलों की भंडार यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं। पहले ये देख लीजिए, शराबबंदी में भी ये बंटी बबली की बोतलें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा भरमार है, हर जगह ये बोतल मिल जाता है। ये अभी नया है, कल का, शायद कल का या आज सुबह का पिया हुआ होगा। आप इकट्ठा करती हैं, आपका नाम क्या हुआ? प्रतिमा देवी। प्रतिमा देवी। आप लोगों का घर कहाँ? राजपुर थाना। राजपुर। राजपुर कहाँ है? घाट पर। रघुनाथपुर थाना पड़ता है, सिवान जिले में ही है। और यहाँ पर कब से आप लोग आ गए? बहुत दिन से बने। बहुत दिन से, 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से यहीं आकर कहाँ रहते हैं आप लोग? कुटिया, टेकनिया कुटी पर। टेकनिया कुटी पर। और कोई देखते हैं, जानते हैं। आप लोग का आधार कार्ड वगैरह बना है? ये जगह नहीं है, वो जगह बना। और कोई सुविधा सरकार से आप लोग को मिलता है? नहीं। राशन कार्ड है रघुनाथ? नहीं। यहाँ और कोई जीविका है काम करने का? नहीं है। कैसे काम चलता है? काम ये कुछ दिन के पर तंजे बेच के इकट्ठा करते हैं आप। अच्छा ये बताइए, ये बंटी बबली का हर चोटी चौराहे पर हर जगह मिलता है? खाली जी, हर जगह मिलता है, शराबबंदी में हर जगह मिलता है जी। आपके कुटी पर तो और ज्यादा मिलता होगा? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अरे आप लोग के तीन लड़के हैं? चार हैं। बी ए, बी कॉम, बी एस सी और एम ए, एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज के सामने सिवान। और एक मामा के बाद तीन जन सर, 9 साल के। कितने कितने साल के हैं? साल साल भर दूध पर 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे हैं सब। अब देख, स्कूल जाते हैं कि नहीं? ये स्कूल भेजे नहीं, बंद है स्कूल। कहाँ जाते हैं? भटाई सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में। चलिए, सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए, ये बच्चे वहाँ जाते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, सरकार भी सुविधा देती है, ये अच्छा है। लेकिन शिक्षा विभाग में जो करप्शन है ग्राउंड जीरो पर स्कूलों में, वो गलत है। स्थानीय लोग, टीचर उसमें के हैं जो शिक्षा का देख रेख करता है ब्लॉक स्तर पर, वो लोग करप्शन ज्यादा कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो सुविधा आता है वो पूरा नहीं मिल पाता है। मिलता है कि नहीं? नहीं, 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 कुछ नहीं। स्कूल से कुछ भी नहीं मिलता? नहीं। नाम लिखवाई है? हाँ, नाम लिखवा। कितना साल हो गया? दो महीना में किताब का पैसा मिला? कुछ ना, कुछ ना, अपने लग से सब की बेच के देने। अब यहाँ पर देखिए नीतीश जी, आप बोलते हैं मैं प्राइमरी स्कूलों में ऐसे ऐसे गरीबों के लिए सुविधा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नाम लिखवा दिया गया है लेकिन अभी स्कूल के तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिला है। किताब ये अपने तरफ से खरीदे हैं, कोई भी सुविधा स्कूल के तरफ से आप लोग कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। अब जा रहे हैं, इसी से आपका जीविका चलता है? इकट्ठा कर लेते हैं दिन भर में पूरा दिन लेने जाए बड़का बोरा से। एक बोरा कितने का हो जाता है? 100-150 क्या करती है फिर पैसे का अपना? अब ये लोग राशन लिया चला, राशन खेती बाड़ी तो आपका होगा ना? कुछ ना, कुछ ना। मतलब 150-200 जो बेचती है, किसी दिन बारिश आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, उस दिन क्या करती है? अब वो दिन ना जाने के, अब ले आने जाऊँ किराना दुकान पर से बाकी उधार, तो फिर बेच किन के उनको दे नहीं जाए। अच्छा, मतलब पहचान है वहाँ, किराना स्टोर वाले आपको बाकी दे देते हैं। हाँ। फिर अगले दिन मेहनत करके इकट्ठा करती है, बेच कर। हाँ। बाकी तब बरसात का मौसम है, 3 महीना रहता है, वो कैसे चलता है? अब वहाँ से लेके चला नहीं जा, मेला वाला पड़ रहा तो करे नहीं जाए।
मतलब मेला वगैरह साल में एक बार पड़ जाता है। के देनी जाए माने बेच सामान भी कुछ बेचती है क्या बेचती है? चलिए अच्छा है, मतलब जीविका ये बाजार में अपना दुकान छोटा मोटा कभी कभी खोल लेती है, इससे भी हो जाता है। अब देख लीजिए अपने घुटनी प्रखंड में ऐसे भी लोग हैं जो ये लोग रघुनाथपुर के हैं, रघुनाथपुर थाने के हैं, वहां से आकर यहाँ 12 साल से यहीं पर है, टेकनिया कुटी पर रहते हैं। टेकनिया कुटी पर आप लोग कहाँ रहते हैं? शंकर जी के मंदिर और गायत्री पलान में। शंकर जी के मंदिर पर गायत्री पलान पलान बनाई है। जमीन किसका है? अभी है सबके सरकारी में, सरकारी सरकारी। आपका नाम क्या हुआ? पिंटू सर। पिंटू सर, पिंटू सर सर जी। आपका मोबाइल नंबर है कोई? मोबाइल आप लोग यूज नहीं करती हैं? तो कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे आपसे कैसे करेगा? मंदिर पर शंकर जी के यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटनी जो राम जानकी मार्ग है, घुटनी से मैरवा जाता है, इसी के बीच में टेकनिया कुटी पड़ता है, वहीं पर बिस्वार जो रास्ते में शंकर जी का, हाँ टेकनिया कुटी से जो बिस्वार रास्ते में जाता है आगे बढ़ने पर एक शंकर जी का मंदिर है, वहीं पर ये लोग रहते हैं। वहां जाकर अगर कोई मदद करना चाहे तो जाकर संपर्क करके इनको मदद पहुंचा सकता है या दे सकता है। वैसे सरकारी स्कूलों का हाल आप लोगों को दिखा दिया, और बिहार में शराबबंदी के बाद भी हर चट्टी चौराहे से यहाँ बंटी बबली का खाली बोतलें मिल रहा है। शराबबंदी का बस नाम है शराबबंदी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर शराबबंदी नहीं है। अब सब ग्राउंड जीरो से दिखाई दिए, इन लोगों का स्थिति इस समय बहुत नाजुक है, जो मदद करना चाहे आगे आ सकता है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।